राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय कुकिंग ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? सो आज लंच में हम बनाएंगे ग्वार की फली की सब्जी और साथ में मल्टीग्रेन रोटी, जो कि हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं। जब हम छोटे थे ना तो बहुत खाई है ये ग्वार की फली की सब्जी, और इसका रायता भी बनता है जो कि इक्वली टेस्टी बनता है। और मुझे ना यहाँ पे कोयम्बटूर में जब मैं मार्केट गई हुई थी तो ना मुझे एक जगह ये दिखी ना, तो मैं ले आई, क्योंकि बहुत दिन हो गई थी इसकी सब्जी खाए हुए। तो यहाँ पे ना आगे पीछे से इसको जो है थोड़ा सा कट कर लेंगे और इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसको लंबे साइज़ में कट कर लिया है, और 2 से 3 कली लहसुन की ली है और इसको भी जो है बिल्कुल बारीक चॉप कर लेंगे। फ्रेंड्स, मुझे ये सब्जी ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और काफ़ी दिन बाद खाई ना तो आज तो मज़ा आ गया खाना खा के, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। चलिए अब हम जो है फटाफट इसको छोंक लेते हैं। तो यहाँ पे गैस पे कढ़ाई चढ़ा लेंगे। कुकर में भी बनती है ये सब्जी, लेकिन कढ़ाई में और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो बस यहाँ पर जो है कढ़ाई चढ़ा ली है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों का ऑयल, और जब सरसों का ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाले हम यूज़ नहीं करेंगे। बस जीरा डाला है आधी छोटी चम्मच, उसके बाद इसमें डाल देंगे कि प्याज, और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। जब प्याज अच्छे से भून जाए तब इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो यहाँ पे ना मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इनको अच्छे से वॉश करके कट कर लिया है, और साथ ही इसमें जो है फली भी डाल देंगे, यानी कि ग्वार की फली जो हमने कट की थी वो इसमें डाल देंगे। और इन सभी को जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है, और ज़्यादा नहीं 1 से 2 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे, क्योंकि ना ये नीचे से लग जाती है तो जो है टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है। और बीच में जो है 1-2 बार इसको चेक कर लेंगे अच्छे से, उसके बाद जो है दोबारा इसको कवर कर देंगे और 1 मिनट के लिए दोबारा पका लेंगे। उसके बाद जो है हम दोबारा चेक करेंगे, और अब जो है हम इसमें थोड़े से जो है आलू सॉफ्ट हो गए हैं तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो रेगुलर मसाले हम यूज़ करते हैं ना वो। तो यहाँ पे मैंने आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च, 1 फुल भर के जो है धनिया पाउडर ऐड किया है, और साथ में जो है स्वादानुसार इसमें नमक डाल देंगे, और इन सभी को जो है एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जो है ऊपर से इसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर कट किए थे वो इसमें ऐड कर देंगे, और इनको भी जो है अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर को भी। और उसके बाद जो है हमें चाहिए थोड़ा सा पानी, तो यहाँ पे जो है मैंने 1 कटोरी से कम पानी लिया है, यानी कि आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है, वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि जो हमारी सब्जी है ना वो अच्छे से गल जाए, और वरना तो ये ना नीचे से लग जाएगी। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा पानी लिया है, और ऊपर से थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ देंगे, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और उसके बाद जो है कवर करके जब तक आलू और फली जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए ना तब तक पका लेंगे। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ तब तक आटा। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मल्टीग्रेन रोटी, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन लिया है और थोड़ा सा रागी का आटा। जो आटा आपके पास अवेलेबल हो ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप ज्वार का आटा, अलसी जो है मिक्स कर सकते हैं, और भी जो भी आटा आपके पास हो वो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो मेरे पास बस रागी का आटा था और बेसन था, साथ में ना मैंने थोड़ा सा गेहूं का भी आटा ले लिया। इससे ना रोटियां फटेंगी नहीं बिल्कुल भी, और बहुत ही ज़्यादा जो है बाइंडिंग आ जाएगी रोटी में, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। तो बस यहाँ पर जो है थोड़ा सा आटा लेंगे, उसकी गोल गोल लोई बनाएंगे, और उसके बाद जो है इसको बेल लेंगे सूखा आटा लगा के। सूखा आटा लगाने के बाद आप देख सकते हैं रोटी ना बिल्कुल भी नहीं फटेगी। आप चाहें तो जो पोलोथीन रैप आता है ना, मतलब कि जो ट्रांसपेरेंट पेपर आता है, उस पर भी बना सकते हैं चिकना हाथ लगाकर, लेकिन यहाँ पे भी ना रोटी बिल्कुल नहीं फटेंगी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनेंगी, तो आप इस टाइप से बना सकते हैं। और ये ना बहुत ही इसके जो है काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, तो ये हमें ज़रूर खाने चाहिए। तो आजकल जो है मैंने 3 से 4 दिन हो गए तो मैं यही रोटी खा रही हूँ, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जो है रोटी हमारी नहीं फटी, बहुत ही अच्छी बनी है। और इनको जो है दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे, और रोटी ना वैसे हमें तवे पर ही सेकनी चाहिए, डायरेक्ट गैस पे सेकनी भी नहीं चाहिए, ये ना हमारे लिए बिल्कुल भी जो है हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। एक कपड़ा लेके जो है आप दोनों साइड्स को साइड से जो है इसको अच्छे से सेक सकते हैं, तो ये
बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रोटी बनकर तैयार हो जाती है। और सब्जी, इस सब्जी के साथ तो ये रोटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने जो है मेरे लिए ही बनाई है बस दो रोटी, क्योंकि ना बच्चे खाते नहीं और हस्बैंड जो है वो कोर्स पे गए हुए हैं, तो बस ज़्यादा नहीं बनाई, दो ही रोटी बनाई है बच्चों के लिए। जो है थोड़ा सा मिक्स करके रागी का आटा और गेहूं की रोटी बनाऊंगी। तो यहाँ पे जो है हमारी रोटी जो है दोनों मैंने सेक ली है तवे पर ही। तो एक बार आप भी ज़रूर ट्राई करें, ये रोटी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी और साथ में टेस्टी बनती हैं। और तब तक हमारी जो सब्जी है वो भी बनकर रेडी हो गई। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। और ये बिल्कुल है ना, जो आलू हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। ये देखिए मैं आपको जो है तोड़ के दिखा देती हूँ, तो आलू जो है बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं, साथ में ये जो फली है ये भी पक गई है और ये बिल्कुल भी नीचे लगी नहीं। और ऊपर से इस पर डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हरे धनिया का। और बस इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो बस अब हम जो है लस्सी बना लेते हैं साथ साथ, क्योंकि ना मुझे सूखी रोटी के साथ दोपहर में लस्सी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अभी लस्सी। और बस भाई रोटी बनकर रेडी है, तो यहाँ पे सब्जी डाल ली है। आप ज़्यादा नहीं, ये जो रोटी है ना ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, मतलब फिलिंग है इसमें, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन है, फाइबर है, तो बस एक से डेढ़ रोटी मुश्किल से खाई जाएगी। और साथ में लस्सी हो गई और एक बाउल भर के जो है सैलड। और ये हमारा आज का है लंच। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।